जलंधर शहर में 23 तारीख को होने जा रहे श्री श्री बाबा सोडर जी के मेले की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसमें आज विशेष तौर पर पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री अवतार हेनरे जी के साथ श्री श्री बाबा सोडर मंदिर कमेटी, बाबा सोडर मंदिर ट्रस्ट, बाबा सोडर मंदिर कार सेवा कमेटी के सदस्य शामिल थे। उनके साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी भी उपस्थित थे। 23 तारीख को होने जा रहे मेले में देश विदेश से आ रहे लोगों को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर, किस रिगार्डिंग मीटिंग हुई है? थोड़ा सा मेला जो 23 तारीख को संबंध और जो इस इलाके सड़क सफाई सीवरेज सारे ऑफिसर साहब बेनती की आए थे कि अगर कोई बारिश भी पावे तो पानी सड़क से खड़ा नहीं होना चाहिए। ऑफिसर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम पूरी होनी चाहिए, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए जिसके नाल कोई ऐसा माहौल खराब हो। इस करके सारे ऑफिसर से बात की, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट की, चाहे कॉर्पोरेशन की, चाहे बिजली की, ये संबंध में अज की मीटिंग रखी थी कि बाबा जी का मेला जरा तेज होना अज ही शुरू हो गया। लखा की तादाद के लोग बाबा जी के दरबार के आके अपना सिर की सुनाते हैं, अपने मंदा रखते हैं, बाबा जी की झोलियां भरते हैं। उस संबंध में अच्छे मीटिंग रखी थी एंड सारे ऑफिसर साहब ने भी बेनती की है, सारे ट्रस्टियों ने बेनती की है कि आप सारे ने रल मिल के ये मेला बाबा जी का मनाना एंड मैनू पूरी उम्मीद है कि है कि पिछले साल नालों भी बस संगत होगियां एंड संगत किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी, मूवमेंट के भी नहीं होगी, तो कोई ऐसा नहीं क्योंकि सड़क की रिपेयर हो गई है एंड चारे पास रंग रोज नहीं हो रहा, देखा होगा डिवाइड कर दिया वो भी सारा हो रहा, तो साडा फर्ज भी बनता बाबा जी ने साथ रखा कि असी सेवा करिए, सेवा दार हैं, होर कुछ नहीं है, सेवा दी है।